फाइनली दोस्तों, ये है 2023 का न्यूली लॉन्च यामाहा रेजाडार 125cc हाइब्रिड का OBD BS6 फेस 2 अपडेट वाला नया स्कूटर। इसमें क्या क्या अपडेट हुए हैं, नए फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, नई प्राइस क्या है, सारी जानकारी देने वाला हूं। स्कूटर में सबसे बड़ा बदलाव इसके कलर में आपको मिल जाता है। इसका जो कलर है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जैसा कि साइड पैनल के ऊपर में यामाहा यहां पर गोल्डन कलर से है, नीचे में गोल्डन कलर और ब्लू कलर की स्ट्रिप मिलती है, बीच वाला जो हिस्सा है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में, और इसके जो ऊपर वाले एप्रन वाला जो हिस्सा है वो आपको मैट ब्लू कलर में मिल जाता है। ये टोटल एक नया कलर है। यहाँ पर लगेगी आपकी नंबर प्लेट और स्प्लिट LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। नीचे में रेजाडार की ब्रांडिंग दी गई है। आगे वाला जो मडगार्ड है ये भी आपको प्लास्टिक बॉडी का मैट ब्लू कलर में मिलता है, और आगे में आपको 12 इंच का गोल्डन कलर का एलॉय मिलता है, जो पहले आपको जो कलर है ये FZS V3 में दिया जाता था। और 90-90-12 का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलता है, 220mm की डिस्क मिलती है, और टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप के फ्रंट में सस्पेंशन दिए गए हैं। इसके सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो इसके साइड बॉडी पैनल के ऊपर में रेजाडार का यहाँ पर गोल्डन कलर का स्टिकर है, और नीचे में 125 का ग्राफिक्स है। यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर और नीचे में ब्लू और गोल्डन कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। ये वाला हिस्सा भी आपको प्लास्टिक बॉडी का मिलता है। नीचे में यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं, और एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो यामाहा की बैजिंग मिलती है। ये टोटल फाइबर बॉडी का ही सेटअप है, और पीछे में आपको मिलता है 110-90-10 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। पीछे वाले टायर की मोटाई है 110mm, और पीछे में 10 इंच का यहाँ पर आपको गोल्डन कलर का एलॉय व्हील मिलता है। पीछे में 12 इंच का गोल्डन कलर का एलॉय व्हील नहीं दिया है। सबसे पहले आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। इसके तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो इसकी जो सीट है वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब इसमें आपको काफ़ी लंबी चौड़ी सीट मिल जाती है, और इसके अंदर की जो कुशन है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। 785mm की सीट हाइट मिल जाती है, और इस स्कूटर का वजन है 98 किलोग्राम, और जो कि 125cc में सबसे हल्का स्कूटर है। और इसका जो लेग स्पेस है ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम मिलता है। लेग स्पेस इतना है कि आप इसमें खाली सिलेंडर या फिर आप डिस्पेंसर वाली बोतल को नहीं रख पाएंगे। इसके चौथे सबसे बड़े अपडेट की अगर हम बात करें तो इसके बूट को खोलता हूं। जैसे ही आप देखेंगे यहां पर E20 लिखा है, मतलब ये BS6 फेस 2 OBD वाला अपडेट है, और इसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल से ये स्कूटर चलने वाला है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से ये सब चीज़ें लागू हो चुकी हैं। ये है इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला ट्रैकर, और यहाँ पर आपको चेसिस नंबर, और 20-22 लीटर का यहाँ पर आपको सीट अंडर स्टोरेज मिल जाता है। कुछ एक्सेसरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, जैसा कि फर्स्ट एड किट, टूल किट, और नीचे में आपको टूल किट मिल जाती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जब आप इसके अंदर में हेलमेट को रखेंगे तो इसकी जो सीट है वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगी। रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे में सिंगल पीस यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है मेटल बॉडी का, और चाबी को मैं ऑन कर देता हूँ। टेल लाइट को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको LED वाली टेल लाइट नहीं मिलती, इसमें सिर्फ आपको हेलोजन वाली टेल लाइट मिलती है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छे। नीचे में रिफ्लेक्टर, दोनों साइड में हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे में आपको नंबर प्लेट के लिए सेपरेट लाइट और दो साइड में रिफ्लेक्टर भी दिए गए। माइलेज की अगर हम बात करें तो ये स्कूटर 1 लीटर में 50 से 55 की माइलेज देता है। यहाँ पर आपको मल्टी की फंक्शन पॉइंट मिल जाता है, बाकी यहाँ पर आपको कैरी हुक मिलता है। और इसके मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो फुल डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिलता है। इसमें भी बहुत सारे अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम की एक वार्निंग की इंडिकेशन मिलती है, ऊपर में टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको मिलती है चेक इंजन की लाइट, और इको इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ भी आपको मिलती है असिस्ट की लाइट, और यहाँ पर फ्यूल गेज, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर। और अब आप देखेंगे इसकी डिस्प्ले में यहाँ पर आपको रियल एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, जो इसका 5वां सबसे बड़ा अपडेट है। और 6वें अपडेट की अगर हम बात करें तो अब इसमें आपको जो है वो डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। 7वें अपडेट की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स नजर आते हैं। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर की थोड़ी सी फिनिशिंग मिलती है। ये जो मिरर हैं ये आपको FZS V3 वाले मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न, इसकी जो पीछे वाली ब्रेक का लीवर है वो भी काफ़ी लाइट दिया गया। बाकी यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, जैसा कि हीरो इसको बोलता है, I3S टेक्नोलॉजी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 145mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि एक्टिवा से थोड़ी सी कम है। और दूसरी साइड में चलते हैं तो यहाँ भी आपको रेजाडार
125 के काफ़ी शानदार ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने में, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक आ रहा है। बाकी यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटबैक्स और साइड स्टैंड इंजन कटॉप सेंसर का भी इसमें आपको फीचर्स मिल जाता है। मेन स्टैंड भी मिलता है, किक भी मिल जाती है, लेकिन देखा जाए तो आज के मॉडर्न स्कूटर में आपको किक नहीं दी जाती है। ऊपर में दिया है इसका एयर फिल्टर और यहाँ पर यूनिट स्विंग सस्पेंशन मिलता है। ये जो सस्पेंशन है ये एडजस्टेबल नहीं है। पीछे में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है और इसमें 10 इंच का गोल्डन कलर का एलॉय, 125 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 2-वाल BS6 FI इंजन दिया है। ये इंजन 8.2 PS की मैक्स पावर देता है 6500 RPM पर, 10.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है 5000 RPM पर। इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है 95 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। तो प्राइस की बात करें तो यमाहा रे जेडार 125 cc हाइब्रिड डिस्क ब्रेक की एक्सोरूम कीमत है 91,330 रुपये और इसकी अप्रोक्स में ऑन रोड कीमत है 1,10,000 के आसपास। जो मैंने आपको बताई है बेनियन ट्री ऑटोमोबाइल यमाहा शोरूम राजारहाट कोलकाता शोरूम की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो कमेंट करो अपनी सिटी का नाम और रिप्लाई में मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर।